हाँ तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू श्री विष्णु वंस अगेन। अभी क्या है कि काफ़ी लोग मेरे से कह रहे थे कि आप ब्लॉगिंग करें, मोटो ब्लॉगिंग, जो अपना बाइक है उसका रिव्यू दें, उसको चला के दिखाएं। बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, टाइम का बहुत बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट था, ड्यूटीज़ थी, फिर और छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभानी होती है, काफ़ी सारा काम था। आज है संडे 14 जून, तो आज है हार्ले ओनर ग्रुप की राइड फ्रॉम दिल्ली मुकरबा चौक टू मुरसल मुरसल रोड, आई मीन मुरसल चौक। अभी बाइक लेके जाएंगे, सवेरे 4:30 बजे उठा था, लगभग 5 बज चुके हैं। 5:30 मुझे, 6 o'clock मुझे 6 AM मुकरबा चौक पहुँचना है। मुकरबा चौक से और मुरथल आएगी जो 4-5 बाइकर्स हैं, जो भी हॉक में जो आएंगे। मेरी फर्स्ट राइड है, मैं जानता नहीं किसी को, रिसेंटली ज्वाइन किया है हॉक, जब बाइक लिया था जब नहीं किया था, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो लेट्स सी क्या रहता है। हाँ तो गाइस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू श्री विष्णु वंस अगेन। मुझे मालूम नहीं मेरा वॉइस कैसा आ रहा होगा, क्योंकि पहले बार सेटअप पे कल रात को सेटअप आया तो मुझे पता नहीं लगा कि इसको सेट करके देखूँ। हालांकि DCV ने कहा था कि एक राइड मार के आ जाना और सेट कर लेना, इसको उसके बाद ही फाइनल रिकॉर्डिंग करना, बट मैं ऐसा कुछ नहीं किया, सीधा उठा और राइड पे ही निकल पड़ा। राइड्स बस मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, सन 2013-14 से कर रहा हूँ, बट बीच में क्योंकि बिजनेस कंस्ट्रेंट से, बिजनेस की दिक्कतें थी, उस वजह से बाइक बेच दी थी और राइड बंद कर दी थी, और अपनी बाइक भी बेच दी थी मैंने। मेरा बालाक्लावा मेरे मुंह के आगे ही अड़ रहा है तो ठीक से बोला नहीं जा रहा। गाइस डोंट माइंड, सिर्फ पहला व्लॉग है, मोटा व्लॉग। ब्रेकर में बिल्कुल स्लो करनी पड़ती है ये, क्योंकि हाइट बहुत कम है इसके और नीचे टिक जाती है ब्रेकर पे। पहला मोटर ब्लॉग है तो बुरा मन मानिएगा कि बंदे ने क्या बना दिया, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। ये हल्दीराम्स अभी भी नहीं खुला है। हाँ तो ये आ गया है पेट्रोल पंप, हम इनसे बात करते हैं कि ये तेल डालेंगे। जो ये वाला कैप है इसमें तेल डलता है, ये फेक कैप है, तो हम इसको खोलेंगे और तेल डलवाएंगे। फुल कर दो भैया, टैंक पे मत गिराना। हाँ तो गाइस तेल डलवा लिया है अपने, 680 रुपये का तेल आया 9 लीटर। माइलेज इसका लगभग रहता है मेरे ख्याल 20 का है, बहुत प्यारा माइलेज है, मुझे कोई शिकायत नहीं माइलेज से। मुझे जब मैं, मेरे पास ये बाइक नहीं थी, स्ट्रीट 750 थी, तो मैं सोचता रही ये तो 7-8 का ही माइलेज देती होगी, बट मर्सिडीज नहीं है ये। प्रेफरेबली मुझे जो इतना अच्छा लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंगल आप लोगों से शेयर करूं। गाइस मुझे मोटर ब्लॉगिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर शॉट्स अच्छे नहीं आए तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। कैमरा भी पता नहीं मैंने कहाँ सेट कर रखा है। लेट्स गो, टॉर्क बहुत ही सॉलिड है, हर गियर बुलेट अपने ज़्यादा तेज नहीं भगाते इसको, अपनी जो मैक्सिमम औकात है वो है 100-110, और इंसान को अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाइक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही अच्छी बाइक है। लगता है हैवी है पर इतनी है नहीं। पंप्स बहुत महसूस करती है, क्योंकि मेरे में वजन नहीं है, मैं सिर्फ ही सिर्फ 80-90 किलो का हूँ। इसके लिए तो कम से कम 250 किलो का बंदा चाहिए जिसपे दब के चले। रोड का भी पता नहीं, मैं मुझे लगता है कि मैं रोड का भी क्या फोटो ले रहा हूँ, बट चलो कोई नहीं, आप लोगों से बातें करते चलते हैं। पहला मोटा व्लॉग है, कहीं आप लोग बुरा ना मान जाए कि आपने रोड नहीं दिखाई, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा रोड ही दिखा दूँ। मुझे बाइक राइड करना बहुत अच्छा लगता है, ऑल दो मेरे डॉक्टर्स ने मुझे मना किया हुआ है कि मुझे अलाउड नहीं है बाइक पर राइड करना, बट जो मन में कीड़ा है उसका क्या करें भाई लोग, उसको कहाँ छोड़ के आए। मेरा ये पैर में दर्द होता है, लेफ्ट वाले पैर में, क्योंकि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसकी वजह से सारे जॉइंट्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, इट बिकम्स लाइक अ सिंगल बोन।
तो इसलिए मुझे मना किया है मेरे डॉक्टर ने कि आप बाइक राइड तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बट नहीं अपन नहीं मानेगा, अपन करेगा रहेगा, तो वो करना रहेगा। राइड पर पता क्या, गाड़ी में मुझे ये फील होता है कि गाड़ी में यार मतलब बंदा बंदा सा राइड पे यार एक्सपोज टू एवरीथिंग, जो आपका थ्रिल लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक अलग थ्रिलिंग वाली फैक्टर थ्रिलिंग फैक्टर आता है। ब्रेन ब्लास्ट का पता नहीं दोस्तों कैसा लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने तो कान में ईयर प्लग्स लगा रखे हैं तो मुझे तो ब्रेन ब्लास्ट पता लग नहीं रहा है। आपके जो माइक है वो अभी मैंने प्रॉपरली सेट नहीं किया है, अगली बार जाऊँगा तो डीसी भी सब पूछ के आऊँगा कि भाई कैसे सेट करना है इसको, ताकि ब्रेन ब्लास्ट लोगों को ना सुने। उम्मीद करता हूँ ब्रेन ब्लास्ट नहीं आ रहा होगा। कोई टाइम हो चुके हैं 5:28, मीटिंग पॉइंट इज मीटिंग टाइम इज 6 AM मुकरबा चौक, तो आगे का शॉट वहीं जाके सोच रहा हूँ ले लूँ। हाँ तो गाइस पहुँच गए हैं मुकरबा चौक, राइडर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, वैसे 5:53 हुए हैं। रास्ते में भी आ रहा था यार एक काफ़ी सारे कबूतर, क्या करते हैं लोग खाना सड़कों पर डाल देते हैं, तो उसके चक्कर में वो कबूतर दाना चुगने आते हैं, बेचारों को पता होता नहीं है। कबूतर क्या होता है, भारी वेट होता है, पंख छोटे होते हैं, तो उसको टाइम लगता है दोबारा फ्लाइट भरने में। गाड़ी वाले ही उन्हें पहले हॉर्न बजा रहे, बेचारे एक ने कबूतर मार दिया यार, इतना बुरा लगा मेरे को, पर कच्चे से उड़ा दिए बेचारे का सारा, वो कितने गोबर निकाल दिया। तो वो खड़े हॉग राइडर्स आई होप वही हैं, क्योंकि सारे हार्ले ही नज़र आ रही है, मीटिंग टाइम भी वही है, तो मेरे ख्याल से वही होने चाहिए, या तो मोड़ ले या फिर निकल जाए। यार क्या कर रहा है, मैं गलत लेन में हूँ। पूछते हैं कि हॉक की है क्या, क्योंकि आई एम नॉट श्योर, पता लगे पास जाके पूछा और पॉपट हो गया। मूर्थल से आया हूँ यहाँ पे वापिस जाऊँ, हाँ मुझे ये बताया था कि मूर्थल तक राइड है। हाँ चलो, बड़ा कन्फ्यूजन है बाबा, BMW के 1600। तो गाइस चल पड़े हैं सब लोग, हम भी पैक करते हैं, अपने को थोड़ा सा टाइम लगता है पैक होने में, अपने थोड़े से ढिलम ढालम से हैं। फॉग आ गया, मेरे को इस पर लगाना पड़ेगा वाइजर के अंदर जो रहता है, ताकि फॉग ना आए। फर्स्ट टाइम राइड है, पता नहीं किस स्पीड से चलते होंगे, पहले वाले दोस्तों एक उसमें चलते थे, गर्मी लगने लग गई थी खड़े खड़े, कुछ भाई लोग थोड़े लेट आए। हाँ 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 अब थोड़ा सा आराम आया, गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। तो ये कृपया पता नहीं कैमरा किस एंगल पे सेट है, क्योंकि मुझे स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा है इसका। स्पीड ओके ओके है, ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा तेज भी नहीं है, 100 है, मैनेजेबल है। मुझे लगा कोई तेज भगाएंगे जैसे दूसरा राइडर्स और बाकी राइडर्स भगाते हैं, अपने थोड़ा साइड में ऊपर चलते, पता लगे ब्रेक मार दिया सबने और मैं रोक नहीं पाया और पोपट हो गया। ये जिगजैग फॉर्म में नहीं चलते, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये बैक टू बैक एक के पीछे एक चल रहे हैं, इन केस अगर सामने कुछ आता है तो मैनेज कैसे होगा, क्योंकि हमेशा जिगजैग फॉर्मेशन में चलना चाहिए ताकि आपके फ्रंट रोड जो है वो क्लियर हो। मज़ा आ गया भाई साहब, राइड करने का अलग ही मजा है, ग्रुप का अलग मजा है, सोलो का अलग मजा है। सोलो में आप स्पीड बाउंड नहीं है, आप धीरे चलाओ तेज चलाओ, पहली बार मोटर ब्लॉक बना रहे, ज़्यादा कुछ अपने को नॉलेज नहीं है यार, बोलना क्या है क्या नहीं बोलना है, बट जो मुँह में आ रहा बक रहा हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी मोटर ब्लॉक्स की। गाड़ी के अंदर तो ये है कि आप सीन काट भी होगे, ये है इसमें बार बार सीन कटता भी नहीं है, मतलब एडिट तो हो जाता है बट एकदम से कैमरा ऑन ऑफ नहीं कर सकते। गाड़ी में तो ये है कि अपने कैमरा को ऑन ही रहने देते हैं, फिर हाफ एंड एडिटिंग ज़्यादा कर लेंगे। एंड लास्ट राइडर, अब मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं लास्ट राइडर्स की वैसे ऑफिशियली क्या ड्यूटी क्या रहती है। तो फ्रंट में ये है कि फ्रंट में चलने मुझे इशारे करने पड़ते हैं कि देखो पत्थर आया, देखो इंसान आया, तो उसमें थोड़ा सा टेंशन रहता है।
फ्रंट में रहने का थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए, अभी अपने को उतना एक्सपर्टीज है नहीं ग्रुप में राइड करने का, मतलब वैसे तो है बट तो ग्रुप में कैसे आपको राइड करना है, क्या क्या इशारे करने हैं, पोर्ट हाउस बताने हैं, फिर बंदा बताना है कि बंदा खड़ा है, तो वो चीज़ आपको बतानी होती है। अगले वाले भाई साहब मस्त हैं, रेलवे रास्ता बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, नाम नहीं पता आपका बट ऐसा लग रहा है कि हम स्पीड कैमरे को क्रॉस कर रहे हैं स्पीड ऑफ 100 और चलान फिर आएगा बट मुझसे पहले इन सबका आएगा क्योंकि मुझसे आगे हैं, तो लेट्स क्रॉस दिस। Benson 9 एग्जॉस्ट की आवाज़ बहुत प्यारी है बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस वाले रोक लेते हैं इसको, और दूसरा आप लोगों को भी ये है कि इतना तेज लाउड साउंड अगर बजेगा तो अपने कान 24 घंटे अपने कानों में धुन बजेगी, जैसे कि मैडम की रिंगटोन हर वक्त फ़ोन आता है तो उनकी धुन मेरे कानों में बजती रहती है, वैसे ही Benson 9 मेरे कानों में बजेंगे। ये ऊपर किसको इशारा कर रहे हैं भगवान जाने, प्लेन आ रहा है क्या, आज जाके पहले तो साइंस देखने पड़ेंगे कि ये बोल क्या रहे हैं। अरे भाई साहब ये तो सारे इशारे बता रहे हैं, मुझे तो शर्म आने लगी है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। अनाड़ी राइडर रह गए हम, अभी गाड़ी वाले भाई साहब हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं, या तो थोड़ा आगे निकाल लो या भैया थोड़ा पीछे रखो, ये कभी मेरे एकदम पीछे घुसा के ये चला रहे हैं, सामने ब्रेक लगे तो हाउ विल वी मैनेज। दिस इज KMP कुंडली मानेसर पलवल, वी आर क्रॉसिंग इट। सही है, मुझे लगा यार ये बहुत तेज फैल तो होंगे बट नहीं, अच्छा है बढ़िया, मेरा फर्स्ट हॉग राइड है, हॉग राइड नहीं है बेसिकली, ये प्राइवेट राइड ही है और हार्ले ग्रुप के मेंबर है बेसिकली, क्या मैं बंद कर दूँ क्या, मैं ये कोई महालक्ष्मी ढाबा है, इस पर पहले प्लान था गुलशन ढाबा पर रुकने का बट अभी यहाँ पे रुके हैं सारे बाइकर्स और मेरे पीछे देख रहे हैं आप बाइक्स खड़ी हैं, चाय पीने रुके थे और काफ़ी लोग सामान भी लेके आए घर से, जैसे ब्रेड वगैरह हो गया और छोटी मोटी चीज़ें जैसे पकौड़ा वगैरह ये चीज़ें लेके आए, बहुत अच्छा लगा। मेरी आवाज़ शायद इतनी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि आज मैं G7 Mark II लेके आया हूँ, उसमें थोड़ी सी वॉइस का प्रॉब्लम ही रहता है, मुझे लगता है मैं आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द वॉइस, इसलिए थोड़ा सा पंगा रहता है। तो बाइक खड़ी हमारी यहाँ पर, मेरी खड़ी है सबसे आगे उधर, मैं सबसे पीछे था, जब तक मैं समझ पाता कि सब रुक रहे हैं मैं आगे चला गया, ऑफिस आगे खड़ी करी यहाँ पर। बीच में तो ये एक सीन हुआ था कि सब लोग कोई इशारा करते ना कि पिछले राइडर को बता दें, कोई ऐसे इशारा कर रहा है पॉट होल की तरफ, कोई बंदा आ रहा उसकी तरफ, एक बार उन्होंने इशारा किया ऊपर, अब वो ऊपर इशारा किया वो मुझे नहीं पता था कि ऊपर इशारा क्यों कर रहे हैं, उनका यह मतलब ये था कि आप सभी लोग एक लाइन में रहेंगे, बट मैं ऊपर देख रहा था, मैंने कहा यार पोर्ट होल से बचाने को कह रहे हैं, अब हवाई जहाज से बचाने को भी कह रहे हैं क्या, तो ये सीन बना मेरे साथ आज। तो अभी यहाँ की जो राइड है ये अभी निकलेंगे यहाँ से, और मैं मेरा घर क्योंकि यहीं पे है तो मैं यहीं से ही अपनी राइड रोकूंगा और मैं जाऊँगा अपने घर, ये लोग वापस जाएंगे दिल्ली। सो गाइस उम्मीद करता हूँ जितना जैसा बन रहा होगा आपको पसंद आ रहा होगा, तो कीप वॉचिंग आई। Poppin' like I'm post to. Watch out for the people that ain't close to. Speak a little something you could toast to. I ain't tryna hear about what you won't do. Moving like I mean to. Hit the ground running like the rain do. Speak a little something that you into. I ain't tryna hear about what you been through. Like hold up, hold up. Say what's the hold up? I got the pack, who got the roll up? I'm tryna pull up. It seem like every time I show up, it gotta go up. The drip, they see the glow up, oh now they know us. See it's funny how my pockets out of shape, but I fit for the flex. Clear the phone call, hit my chick with a text. Parlay through the bird with my drip from the checks. Save a couple hundred, buy your with the rest. I prefer my reefer with Henny and Coke. Please don't be stingy, got plenty to smoke. Show up and act up and back to the crib. I do not stun, I just rap what I live. Seem like they doing the most for the clout. Did what
what I said, so they know what I'm about. Show up and act up and back to the crib. I do not stun, I just rap what I do. Ay, winning like I ought to. I ain't wanna do it, but I got to. Smoking what my doctor told me not to. Got these wishing they was hot too. ये आ गया अपना बाइक, अपने रेडी होते हैं, फिर चलते हैं। हम लोग तो घर ही निकलना है, ज़्यादा दूर जाना नहीं है। लेट्स गो। स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये वाला नहीं करता है। हाँ तो भाई घर पहुंच गया। मैं जब लास्ट में चलने लगा तो मैंने कैमरा ऑन भी किया था, बट पता नहीं कैसे, क्यों, एक तो इसमें जो माउंट लगाया ना, इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा कि स्क्रीन पर चल क्या रहा है। तो माउंट थोड़ा नीचे है, ऊपर करता हूँ तो वाइजर नहीं खुलता, नीचे करता हूँ तो सांस फूल गया। एक तो भारी बैग, ऊपर से लिफ्ट नहीं चल रही है, फेफड़े पड़ेगा भाई साहब। तो ये था दोस्तों आज का एक छोटा सा ब्लॉग। हालत ख़राब है, शेव भी हो रखा हूँ, कल ड्यूटी जाना तो शेव बनाएंगे। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विष्णु, टेक केयर, कीप वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर, और बताइएगा कैसे लग रहे मेरे ब्लॉग्स। सॉरी इतने दिन तक ब्लॉग नहीं बना पाया, कोशिश करूँगा रेगुलर हो जाऊँ आगे। कोविड के चक्कर में ना ड्यूटी लगी पड़ी है, अपनी वीडियो लगी पड़ी है, तो सॉरी फॉर दी सेटिंग। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर माई सेटिस्फेक्शन। टेक केयर, बाय बाय, कीप लाइक वॉचिंग, बाय बाय। रटे मार के भाई साहब, इट्स डन। Price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. A6 all the hate, I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it.